कोलेबिरा विधायक नमन पिक्सल को गाड़ी शनिवार को सिमडेगा पहुंचे। उनके आगमन पर कोलेबिरा के गर्मा चौक के पास समर्थकों द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया। सैकड़ों की संख्या में मौजूद समर्थकों ने विधायक के समर्थन में जमकर नारे लगाए। इसके बाद विधायक ने झारखंड के जननायक तिलंगा खड़िया, भगवान बिरसा मुंडा और रण बहादुर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और अपने समर्थकों को संबोधित किया। कैश कांड में फंसे कोलेबिरा विधायक शनिवार को लगभग 100 दिन के बाद अपनी क्षेत्र की जनता के बीच पहुंचे। कैश कांड के कारण विधायक अपने समर्थकों और क्षेत्र की जनता से लंबे समय तक दूर रहे। ऐसे में खुद को सही साबित करना और अपनी उसी पहचान को बरकरार रखना उनके लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि कैश कांड में फंसने के बाद कोलेबिरा विधायक के विरोधी उन पर काफी हमलावर रहे हैं। निश्चित तौर पर कुछ लोग पार्टी को और सरकार को, यहाँ तक कि मीडिया को भी गुमराह करने का प्रयास किया, सच्चाई से और सही बातों से दूर रखा। इस घटना का संबंध सरकार गिराने से लेकर नहीं है, जिसे माननीय कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा है। हमारा रांची हाईकोर्ट ने भी इसीलिए अभी चार्जशीट करने से रोक लगा दी है। यहाँ तक कि आप लोग को भी गुमराह किया गया और जानकारी दिया गया कि ये सरकार गिराने से संबंधित घटना है, बल्कि इस घटना का संबंध सरकार को बचाने से लेकर है। इस घटना की वजह से हमारी सरकार बच गई। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।